अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में। इनमें से बोर्ड के अंदर कोई ना कोई इक्वेशन आ जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए ब्रीफली इन्हें देखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो बेसिकली कितनी हैं, 3। इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ने से पहले हमें जानना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं क्या। बेसिकली जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो मोशन करते हुए उसकी 5 चीज़ों के दरमियान ये रिलेशन है। क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों जो हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप है। उन तीनों इक्वेशंस के अंदर आप यही 5 चीज़ें बार बार देखेंगे। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, और पांचवी चीज है डिस्टेंस या और डिस्प्लेसमेंट, जिसे एस से जाहिर करेंगे। सो इन 5 चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। जो तीनों इक्वेशंस होंगी उनके लिए हमें बकायदा से इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, आइए वो देखते हैं। बेसिकली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनकी डेरिवेशन के लिए हम जो सिचुएशन कंसीडर करेंगे, जो सिचुएशन कंसीडर करेंगे वो सिचुएशन ये है कि जो हमारे पास बॉडी है वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन कौन सी, बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये याद रखिए, इसका की पॉइंट है, बॉडी, गाड़ी, ऑब्जेक्ट, कोई भी जिसम, वो कैसे मूव करना है, बॉडी मूविंग क्या कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इसकी कंडीशन है। हम तीनों इक्वेशंस इसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। बॉडी क्या कर रही हो, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए हमने ग्राफ पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। सो हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से हम इस लेक्चर के अंदर पहली इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सिचुएशन क्या है। सो ये आप याद रखिएगा, हम तीनों इक्वेशन में यही सिचुएशन कंसीडर करेंगे, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब फर्ज कीजिए, सपोज कीजिए कि बॉडी है हमारे पास, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जिसम है, फर्ज करें ये गाड़ी है। ये इनिशियली VI वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, गाड़ी जो कि रेस्ट में नहीं है, इनिशियली VI वेलोसिटी से मूव करती हुई हमने देखी, हमारे सामने से गुजरी, उसकी वेलोसिटी VI थी। थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़े से वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी VI से चेंज होके क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी VI से चेंज होके क्या होगी जी, इसने अपनी वेलोसिटी इनिशियल से क्या बना ली, फाइनल बढ़ा ली होगी। 10 मीटर पर सेकंड थी तो 15 कर ली, 20 कर ली, वेलोसिटी चेंज होने में क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। अब हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज, तब्दीली खास वक्त में खास हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल होती है, वेलोसिटी में तब्दीली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो आइए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम बेसिकली करने जा रहे हैं इसके बाद, ये सिचुएशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने यही सिचुएशन लेनी है, सेकेंड में भी यही लेनी है, थर्ड में भी लेनी है। तो हम बेसिकली पहले जनरली डिस्कस कर लें, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आएंगे। हमारे पास सिचुएशन ये है, ये 3 इक्वेशंस के लिए, तो सिचुएशन ये है बेटे कि हमारे पास एक ग्राफ है 2 चीज़ों के दरमियान, किस किस के दरमियान,
टाइम अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी को आप ले लीजिए किस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। ये इसका ओरिजिन है, ये इसका आगाज है, ओ पॉइंट। फर्ज करें हमने आपके सामने फर्ज किया बॉडी रेस्ट में नहीं थी, इसका मतलब वो शुरू में ही किसी वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ मूव कर रही थी, वो शुरू में ही यहाँ थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में ही थी कितनी, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई, वी एफ, और एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर लाइन क्या होती है, बिल्कुल से स्ट्रेट। इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए ताकि नीट होना चाहिए हमारा काम, तो ज़रा देखें। अच्छा जी, बॉडी ने क्या किया, वी आई वेलोसिटी में थी, थोड़ा सा वक्त लिया और अपनी वेलोसिटी चेंज करके क्या बना ली, वेलोसिटी इसकी चेंज होकर क्या हो गई, वी एफ हो गई, इनिशियल से फाइनल यहाँ पे पहुँच गई आप बॉडी। ये स्टेट लाइन किसको जाहिर कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़े थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड टाइम ग्राफ की लाइन कैसी होती है, स्टेट लाइन। आइए ज़रा इस मोशन को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस से मैच कर लेते हैं। अब ज़रा इन्हें नाम दे लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए इस जगह पे इसका नाम है, इस जगह पे इसका नाम है बेटे ए, ओ ए, इस जगह पे नाम है बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, चाहे इक्वेशन नंबर वन आए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, ये ग्राफ। इसमें क्या जाहिर हो रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसने आगाज़ इनिशियल से लिया और फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गई। मैंने यहाँ से इसे वाई से मिला दिया, यहाँ से इसे एक्स से मिला दिया। आइए बढ़ते हैं अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो हम इस ग्राफ से ड्रा करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, ग्राफ से ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, जिसमें बॉडी क्या करेगी, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते दिखे। चलिए जी, आज के लेक्चर में हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। सो देखें जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, वो मैं लिख देता हूं, जो हम ड्राइव करके रिजल्ट निकालेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम इस ग्राफ से अभी ड्राइव करेंगे। अच्छा, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या मैं यहां इस ग्राफ में जो बी डी है फासला, बी डी फासला दो हिस्सों पे मुश्तमिल नहीं, बी डी बेसिकली इक्वल किसके नजर आ रहा है, बी सी प्लस सी डी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि बी D is basically equal to BC plus CD. ये क्वेश्चन नंबर टू का नाम। अच्छा, अब जरा कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे ज़रा देखिए, OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, और OD के पैरेलल कौन सी लाइन है, AC। हम जानते हैं एक रेक्टेंगुलर, एक मुस्ततील नुमा शक्ल के अंदर क्या होती हैं जी, अपोजिट साइड्स क्या हुआ करती हैं, पैरेलल साइड्स क्या हुआ करती हैं, सेम। जो OD की कीमत, वही किसकी कीमत, AC की कीमत। तो इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर OD और AC आपस में क्या हैं, बराबर, और ये किसके बराबर हैं, दीज आर इक्वल टू T। इसी ग्राफ से हम देख सकते हैं कि CD किसके पैरेलल है, OA के, रेक्टेंगल है ना, मुस्ततील है, CD इज पैरेलल टू OA, तो OA किसके इक्वल नजर आ रहा है, VI के, तो CD भी VI के बराबर होगा। हम यहां से लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू VI, और VF किसके बराबर है, जरा बताइए VF किसके बराबर है, VF तो टोटल फासला है यहां से लेके यहां तक, तो VF किसके नजर बराबर नजर आ रहा है, BD के। तो मैं इस ग्राफ से कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू VF। ये अजम्पशंस हैं जो हम यूज़ करेंगे अभी, ये हमने ग्राफ से कुछ चीज़ें ग्राफ को देख के निकाली हैं, जिन्हें हम अभी पुट करके इस्तेमाल करेंगे, इनको यूज़ करेंगे।
बेसिकली बेटे हमें चेंज इन विलासिटी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ विलासिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ ज़रा देखिए, BD की कीमत यहाँ पे नज़र आ रही होगी VF के इक्वल है, CD की कीमत किसके बराबर नज़र आ रही होगी, VI कीमत है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये जो बायोडाटा जो मैंने इस ग्राफ से निकाला है, इस ग्राफ को देख के जो डाटा निकाला है, अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल क्या बन जाएगी, BD की जगह क्या पुट कर सकूँगा, VF, BC नहीं पता, CD की जगह क्या आ जाएगा, प्लस VI। इसे ज़रा कर लीजिए, एडजस्टमेंट करें, तो BC किसके बराबर है, VF माइनस VI। इसे सीधा कर लेते हैं, BC इज इक्वल टू VF माइनस VI। अच्छा जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है सबको, क्या डेफिनेशन, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये हमें कहती है के चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसे कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या मैंने जो अभी रिजल्ट निकाला है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्या है ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर, इसको नाम दे लीजिए चाहे 3 का, जो अभी मैंने BC की वैल्यू निकाली है, BC क्या चीज़ है, VF माइनस VI, जब दो चीज़ों के दरमियान माइनस आ रहा है उसे क्या पढ़ते हैं, चेंज, और एक दो चीज़ें कौन सी हैं, वेलोसिटी, तो क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ जो ये चेंज इन वेलोसिटी नज़र आ रहा है, इसका मतलब इस A की जगह, A ऐसे का वैसे का वैसा, चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, BC, और टाइम की जगह, ये देखिए बेटे टाइम किसके बराबर है, टाइम क्या चीज़ है, OD है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, टाइम की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी। चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, BC के, टाइम की जगह टी आ गया। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए BC की, BC की वैल्यू क्या है बेटे, VF माइनस VI ओवर टी इज इक्वल टू A। अब इसे क्या करें, रीअरेंज करें, तो ये क्या बन जाएगा, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। इसे और रीएडजस्टमेंट करें तो क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी वही रहने दीजिए, ये इधर क्या आ जाएगा, AT प्लस VI, सो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यही देखिए, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। हमने क्या किया है, हमने एक ग्राफ कंसीडर किया जिसमें x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे स्पीड या वेलोसिटी है। अब बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट में नहीं है, इसका मतलब इस ग्राफ का आगाज O से नहीं होगा, बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है, इसका मतलब उसका शुरू में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, और इस दौरान उसने ये क्या किया है जी, ये एक्सेलेरेशन है उसका, दिस इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब ग्राफ को नाम दे दिया OABCD, यहाँ से मैंने सबसे पहले आगाज़ किया कि मुझे ग्राफ से नज़र आ रहा है BD किसके बराबर है, BC प्लस CD। अब जरा अजम्पशंस ले लीजिए, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, OD क्या है, बेसिकली T है, तो ACBD है, CD और ये आपस में बराबर है, ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के, और यहाँ से BD की वैल्यू बेसिकली क्या है, O से लेके यहाँ तक VF। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने, इस जो मैंने लिखी थी इक्वेशन उसके अंदर ये डाटा जाके पुट कर दिया, तो VF किसके बराबर आ गया, BC नहीं पता, CD पता है, रीअरेंज किया BC की वैल्यू। फिर मैंने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ की, क्या है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, या इसे क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी की ये वैल्यू है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BC है, और टाइम क्या है, चाहे तो पहले इसे OD लिख लीजिए नीचे, फिर उसे किससे रिप्लेस कर दीजिए, T के साथ, ये भी कर सकते हैं आप, BC ओवर OD करने के बाद फिर इस पर पुट कीजिए, रीअरेंज कीजिए, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो तीन चीज़ों के दरमियान है, फाइनल वेलोसिटी, चार चीज़ों के दरमियान फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये थी आप सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ आपके उस इक्वेशन की समझ आई होगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम सेकंड इक्वेशन के साथ, थैंक यू।